स्टॉक रख रखा है, स्टॉक रख रखा है, रोड है नहीं, पानी का साधन बहुत दिक्कत है। जब लाते हैं तो माल तो ऐसे खच्चर, यहाँ से खच्चर करके लाते हैं। तो दोस्तों हमें फाइनली एक बढ़िया सा स्पॉट मिल गया है जो कि काफी घने जंगल के बीच में। इस जगह का तो आप जिंदगी में चाह के भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये जगह भी मिलेगी नहीं। तो गाइस हमारा जो ड्रोन है ये पानी में जा चुका, लाल होगी बत्ती, वो वहां से लेके आ रहा है इसको। इसे पानी और डालो यार, ये ड्रोन गया पानी में, देखो निकाल निकाल। दोस्तों अभी यहाँ पर शाम हो चुकी है और हेमू चला गया है, वो अभी वापस आएगा। वो जैसे हमने लास्ट व्लॉग में देखा एंड किया था, ठीक है, तो अभी वो वापस आएगा क्योंकि वो चला गया नीचे फ़ोन लेके डाटा अपलोड करने, डाटा वहाँ से ड्राइव पर अपलोड करके हल्द्वानी में गौरव एंड टीम उसका एडिट करके अपलोड करती है ताकि आप देख पाओ। इसी तरह आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा और नए व्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शाम हो चुकी है और सूरज ढल रहा है और अभी आप देखोगे ऐसे कुछ इस तरीके की यहाँ पर शाम आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको पहाड़ों में जैसे अभी तो हमारे पास घड़ियाँ हैं, अगर आप देखोगे जैसे अभी मेरे पास शाम के हो रहे हैं 5:00 मतलब 6:00 वाले हैं, अभी तो हमारे पास घड़ी है लेकिन पहले इस ज़माने में घड़ी नहीं होती थी। इसको देख के ये सूरज कहाँ तक पहुँचा, इसकी लाइट कहाँ तक है पहाड़ों में, है ना, कितना पहाड़ हमारा ढक चुका है, अभी कितना बचा है, कितने पहाड़ में छाया ढक जाने मतलब होने वाली है ना, कितना पहाड़ ढक चुका है, कितने में धूप है। इसको देख के यहाँ पे लोग पहर अपने हिसाब लगाते थे कि अभी कौन सा पहर चल रहा है, दोपहर चल रहा है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है ना, इसके हिसाब से टाइम पता करते थे क्योंकि पहले घड़ियाँ नहीं होती थी। तो इसको देख के मेरी दादी भी इसको देख के समझ जाती थी कि भाई ये जो चल रहा है यहाँ पे ऊपर पहाड़ में जो धूप है वो कहाँ तक है ना, जैसे ऐसे पूरा धूप चलेगी समझ लो होगी शाम, है ना, कोई अगर घर से बाहर गया है तो उसको घर वापस आना पड़ता था इस धूप के जाने से पहले। तो फिलहाल तो मैं जाता हूँ ज़्यादा ऊपर गाँव की तरफ घूमने। तो बस ये रही इनकी बकरियाँ, अभी इनका शाम को देखो ऐसी चबाते रहते हैं, जुगाली करती है जुगाली। और ये है जैसे इनने तख्ता लगाया हुआ है, तख्ते के ऊपर ही सब सोती है, नीचे इन्हें जो अपने चने निकालती है, पेशाब करती है, टॉयलेट करती है, वो सब नीचे चले जाता है। नहीं इसको कितनी गौर से सुननी है, देखो हाँ हेलो बोलो, तो बोलो, देखो तो ये कई सारी हैं, सब तख्ते के ऊपर है, देखो ये क्या चाहिए, कौन है वो, देखो। तो यहाँ पर कई सारे सब्जियों के लगे हुए हैं, ये आई थिंक कद्दू वगैरह है, ये रहा टमाटर। ताऊ जी प्रणाम, बस बढ़िया। ताऊ जी आगे भैंस ले गए अपने, पापा नहीं आए ना, यहाँ तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ घर पे उगी है, टमाटर ये कुछ बीन वीन वाला है, ये टमाटर, ये आपका इसमें आई थिंक कद्दू का है, किसका है, लौकी का है, लौकी, फिर ये हो गया तोरैया, ऐसा कुछ होता है इस पर, और ये भी वही है कुछ, और एक पीछे जो बड़े वाले भुज की आप मिठाई खाते हो, भुज वो इस पर होता है बड़ा वाला, ये हो गया मूली, और ये हो गया अरबी वगैरह, और कौन कौन सी सब्जी है, ये हो गया आपका करेला, करेले का पेड़ है, सारे मतलब हर टाइप की जितनी सब्जियां होती हैं, ये देखो यहाँ पूरा हरी सब्जी और वो अरबी, ठीक है, यहाँ पर हुई है और इसमें भी उगी हुई है हल्दी सब लगाया होगा, तो सारी सब्जियाँ घर पर ही उगाई जाती हैं। बस घर पर आ गई हमारा लालू, ये पहले हमारा ही कुत्ता था जैसे मैंने बताया, इसको मम्मी ने कहीं दे दिया क्योंकि यहाँ रहती नहीं है, अब इसका बैठने का स्टाइल देखो, ना ना नंबर ही जो नहीं है इसमें, है नहीं, तो इसका बैठने का स्टाइल देखो, यहीं पे बैठेगा भौंकता रहेगा बाहर को, ये बड़ी भारी आवाज़ इसकी, तो ये आ गया घर पे। दोस्तों अभी मैं जो अपना डिनर कर रहा हूँ और अभी मेरे को ताऊ ने बना के दिया है, ताऊ रहते उधर, उनके वहाँ से खाना आ गया मिले, क्योंकि मैं वेट कर रहा था हेमू वापस आएगा और कमुदा वो लोग आए, उनने कहा था हम आएंगे शाम को और कल सुबह हम ऊपर को ट्रैक करेंगे, तो मुझे लगता है प्लान कैंसिल हो रहा है अपना, क्योंकि अभी तक पहुँचनी है, अंधेरा हो चुका है बाहर खतरनाक वाला, टाइम देखो 8:37 हो गए, ठीक है। तो अपना जो लाली है लालू बैठा हुआ है यहाँ पर, देखो उसका बैठने का पोस्चर देखो ना तुम, ये बढ़िया, यहाँ से
है ना, तुम यहाँ पर इनको टाइम टाइम एक एक रोटी खाना खाते हो, एक एक रोटी दो दो रोटी इनको देते रहो, ये ना। जैसे वो जैसे मेरी मम्मी जब यहाँ थी है ना, और एक लालू था एक लाली थी, तो दोनों कुत्ते थे, तो मम्मी खाना वाना इनको खिलाती थी है नहीं। तो अभी जैसे उनकी इसको पता चले कि यहाँ कोई आ गया है, ये कहीं किसी कहीं दूर था है, इस गांव से कहीं दूसरे गांव, ये वहाँ से यहाँ आ गया बैठने के लिए और कहीं जा ही नहीं रहा। देखो ये दोस्तों, ये आधी रात में ना 12 बजे जंगल में भी किसी इंसान ने, इंसान ने जंगल में भी सोने नहीं दिया, तो जंगल में हमारा स्टॉक बन रहे थे। नहीं यार, इसमें मेरा नाम लिख के लाया क्या? सो गाइस 12 बज के हैं, 12 बज के 20 जंगल में मेरे बाहर से कुत्ता जो है वो भू भू कह रहा है, जगा रहा लोगों को उठ जाओ। गाना लगा, ये गाना कहाँ लगा? एक मस्त वीडियो हमारे पास है, कौन सी थी? तुम्हारे नेट पे से दिखा रहा 4G है, 4G चल रहा है तुम्हारा, डाउनलोड है वो, स्क्रीन कॉर्डर है, मक्खी खा रही है पूरा, हैंकर स्क्रीन कॉर्डर। सो गाइस यहाँ पर काला केक, उसमें स्टॉक बनने लिखा हुआ 2 फूल। चलो ठीक है, दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी जैसे ही सूरज उग चुका है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, क्योंकि आज पूरी चारों तरफ धूप ही धूप है, और एकदम ये परसों कल भी शाम को मतलब कल भी धूप ही थी, दिन बारिश आई थी फिर, लेकिन दिन से कल धूप आ गई थी, आज भी धूप है, आज मौसम काफ़ी तगड़ा हो रहा है नहीं। अगर आप देखोगे तो मौसम ज़बरदस्त था, ये लोग उठ गए हैं, मेरा कुछ प्लान है अभी आज, ऐसे हमारे को प्लान उस पहाड़ के टॉप पर चढ़ने को था, लेकिन पिताजी के सख्त आदेश सख्त हिदायत के बावजूद मैं नहीं गया, क्योंकि वो बहुत डेंजर जगह है। और बताओ जी उठ चुके हैं, और जी अपना वहाँ पे दिन के खाने पीने की अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये महीने महीने इधर ही रहते हैं, है ना, इनका मतलब पूरा सर्विस वगैरह जो है वो हो चुका था, अपना टाइम वगैरह मतलब व्यतीत कर रहे हैं बढ़िया करके, मौसम मतलब ये नेचर के बीच में, है ना, ताई भी कभी कभी आती रहती है, ठीक है। और इनके पास फ़ोन के लिए एक छोटा फ़ोन इनके पास है जिससे कॉल होता है, उसमें वोडाफोन आइडिया की सिम लगती है, और वो छोटा ही होता है, उसी में फ़ोन होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है अभी फ़िलहाल में, एक ऊपर पहले अपना एक मंदिर है उधर कहीं, उसको मेरे को झाड़ के उधर पूजा करके आता हूँ, यहाँ कहीं है मंदिर है अपना एक, मतलब देवी देवता वाला ऐसा कुछ होता है, कुल देवता वाला मंदिर, उसको झाड़ जोड़ के वहाँ पर धूप बत्ती करके आता हूँ, क्योंकि आज जन्मदिन हुआ नहीं, तो काली चाय पी रहे, क्योंकि दूध अभी हमारे पास है नहीं, दूध ऊपर ताई लोगों के उनके घर पे है, तो काफ़ी सही मौसम है, पहले वो अगरबत्ती धूप अगरबत्ती करके आता हूँ, फिर करते देखो इस पर इस पेड़ पे क्या आने लगे, तो देखो आड़ू, आड़ू का पेड़ है ये इस पर आड़ू आड़ू वगैरह आने लग गए, क्या हो गया इसका ब्लड नहीं आ रहा क्या? हाँ आड़ू आ रहे हैं इस पर, सही हो रहा है। दोस्तों ये हमारे कुल देवता का मंदिर, और हमारे यहाँ के कुल देवता अलग अलग होते हैं, मेरे को उतना हमारे इष्ट देवता, हमारे इष्ट देवता कुल देवता एक ही तो हुए, इष्ट देव कुल देव है ना, तो यही सारे इस जगह की देखरेख करते हैं, मतलब कि हमारे गांव जंगल खेत खलिहान गाय भैंस है ना, सबकी देखरेख यही करते हैं, हम नहीं होते तब भी करते, तो हमें अगर हम यहाँ होते तो हमको यहाँ का पूजा पाठ करना ही पड़ता है। अभी देखोगे
तो अभी जैसे मंदिर पूरा यहाँ बारिश वाइश आ जाती है ऊपर से, तो पूरा गंदा है, मैंने पूरा साफ किया, मैं इसको भी साफ करूंगा। साफ करने के बाद मैं यहाँ पर पूजा पाठ करूँगा। अबे उसको हाथ में पकड़, सुल्टा हाथ में, उसको सुल्टा हाथ में पकड़। तो दोस्तों जो हमारा ट्रैक था, ट्रैक के बजाय हम वापस से कैंपिंग के लिए जा रहे हैं गांव पे, जहाँ पर हमको बढ़िया नदी और पत्थर वत्थर मिल जाए। तो इसमें सारा सामान ये भी हम इमरजेंसी के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है सूखी लकड़ियाँ मिले। जो रात का आधा अधूरा केक था वो काट के खाएंगे, है नी। और जैसे कि मेरी ट्रेडिंग बता दे थी कि लोग बहुत तगड़ी तगड़ी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं बाहर जाके, कहीं वो जाके, कहीं बढ़िया फूक फाक के, है ना। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, अपने को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अपने को बढ़िया सादी ज़िंदगी, सिंपल लाइफ। और ये अपने ताऊ ताऊ घूम रहे इधर। ताऊ ने यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की दालें रखी हुई हैं। ये हो गया चना, ये ताऊ का सामान, और ये वाली दाल, ये दाल। ताऊ तो भिन्न भिन्न प्रकार की दाल लग रही है। आपने क्या बात दाल है भैया, खाएंगे, मौसम खराब हो रहा है, पहाड़ का इलाका, गाड़ियाँ नहीं आती यहाँ, किससे मंगाएंगे। स्टॉक रख रखा है, रोड है नहीं, आने का साधन बहुत दिक्कत है। जब लाते हैं तो माल तो ऐसे खच्चर, यहाँ से खच्चर करके लाते हैं, क्या करें भैया। घर में रहना तो राशन तो चाहिए। ताऊ ने सारे स्टॉक रखा है और टाइम सुखा रही, क्योंकि बारिश हुई थी बीच में, नमी आ जाती है, इसलिए ये जो है रखा हुआ है। सूख जाएगी तो थोड़ा नमी कम हो जाएगी इसकी, इसमें नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। तो साबुत दाल है ना, इनमें कीड़ा लगने का डर रहता है। हाँ, इसको तो खा देते हैं कीड़े अंदर से। अच्छा, ताऊ ने अभी रिसेंटली बनाया यहाँ पे, ताकि ताऊ, अब ताऊ का मन लगता है पहाड़ों में। ताऊ ने इसको पूरा बना दिया इधर रहने के लिए अपना स्पेशल। हवा, ठंडा पानी, हाँ सब कुछ एकदम फुल मस्ती। अभी जा, अरे ऊपर को जा रहे जंगल की तरफ। अच्छा, तो बना बनुए खाएंगे बल। ना पीनाथ जाना था इनने, वहाँ पर किरार तक जाओ, ज्यादा मजा आओ ना। किरार को दूर से मणि मणि से आ, वहीं तक जाते हैं। ये पंडित जी भी होंगे वहाँ। अच्छा, चलो। तो दोस्तों बताएगी वहाँ से मैं प्याज टमाटर लेने जाता हूँ। देखो इनकी बच्चिया, छोटे छोटा छोटी बच्चिया बाहर है ना, ये परसों तो मैंने अंदर दिखाई थी। आप तो दोस्तों अभी हम जंगल में जाते जा रहे हैं, हमें पता नहीं जाना कहाँ है, लेकिन हम जा रहे हैं। ये देखो, ये हिडन प्लेस पूरा गांव हमारा। देखो हमारे साथ हमारे लालू, हमारे साथ चलते रहता है, ताकि है नहीं। अब यही अगर हमारे घर वाला कुत्ता होता, लैब्राडोर, उसको हमको गोदी में ले आना पड़ता है नहीं। तो देखो हमारे साथ ये, ओफो ले भैया, ये जबरदस्त व्यू है। ये हमारा यू, तो दोस्तों हमें फाइनली एक बढ़िया सा स्पॉट मिल गया है,
जो कि काफ़ी घने जंगल के बीच में है। इस जगह का तो आप ज़िंदगी में चाह के भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये जगह भी मिलेगी नहीं। क्योंकि मेरे गांव में एक ऐसी, मेरे गांव से जब अंदर जंगलों में जाते हैं ना, सारे बाज के जंगल हैं, बहुत डेंजर जंगल है। यहाँ पर हर एक टाइप का आपको जानवर मिलेगा। इसलिए हमारे साथ देखो, ये हमारा पहरेदार है ना, हमारा लालू कुत्ता खुद यहीं पे घूमेगा। देखो पूरा पहरा दे रहा है उसको, अलर्ट कितना, देखो उसका अलर्ट देखो ना। ये कुल यहाँ नहीं देखता, वो खाने में नहीं देखता, वो चारों तरफ देखता है। तो हमारे यहाँ पे देखो व्यवस्था भी चल रही है, पीछे को नज़ारा देखो, ये पूरा ऊपर से पानी आ रहा है नीचे को, बहुत ज़बरदस्त। और आपको मेरी आवाज़ कम दिखा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर असली बहाव है पानी का बहुत तेज। ये देखो यहाँ पर नीचे नीचे स्विमिंग पूल भी है, बहुत भयंकर। यहाँ से नीचे गुदुआ तक एकदम गहरा है, बढ़िया नहाने का। फटाफट बनाते हैं यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, केक भी यहीं काटूंगा, सब कुछ यहीं करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। चल ले, चालू हो जा, चल चल, बहुत ही ठंडा पानी। ओ हो, गया बाप, अरे पत्थर है सामने, ए इधर को, इधर को, इधर को, आ मजा आ गया भाई साहब, ठंडा पानी ये। अरे कमला जाओ, कहाँ गए था वो, देखो अरे है ये, आ जा दे, क्या हो गया, ठंडा ठंडा भाई, बहुत ही ठंडा पानी है, एकदम चिल्ड है, एकदम चिल्ड है ना यहाँ। तो भाई हमारा जो ड्रोन है ये पानी में जा चुका है, लाल होगी पत्ती, वो वहाँ से लेके आ रहा है इसको। इसे पानी और डालो यार, ये ड्रोन गया पानी में, देखो निकाल निकाल, वाह हो गया, सुखा दे इसको, ड्रोन क्रैश करा दिया तुमने, पंख टूट गए इसके, पंख ये टूटे, इसे सुखा दे, अब धूप में रख दे। तो भाई हमारा जो ड्रोन है पूरा का पूरा, मैं यहाँ से आपको ड्रोन का शॉट लगा देता हूँ, यहाँ से गया वहाँ टकरा गया और वहाँ से पानी में गिर गया, और इसको गिराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने इसको गिराया है, मैं इसका जवाबदार हूँ, क्योंकि मेरा ही ड्रोन है। अगर इसने गिराया होता हेमू ने तो मैं इसकी तभी ड्रोन गया, तो ख़राब हो जाएगा ये। बढ़िया रेडी हो गया हमारा अंडा भुजिया और मैगी, इन्हें चालू कर दिया तो ड्रोन चौकीदार। दोस्तों बीच जंगल में यहाँ से आ रहा है पानी और वो लोग वहाँ बैठे हैं, देखो वहाँ बैठे हुए हैं, और मैंने यहाँ पर अपना ड्रोन रख दिया सुखाने के लिए, क्योंकि ये ड्रोन पूरा पानी के अंदर चला गया था, पूरा पूरा उसने डूब गया था अंदर, पूरा ख़राब हो सकता है, तो मैंने इसको सुखाने के लिए डाल दिया है। और वो देखो फिलहाल मैं यहाँ पर नहाता हूँ, धूप आ रही है ऊपर से, तो यहाँ पर मैं बैठता हूँ नहाने के लिए। बहुत ही ठंडा पानी, बेहिसाब ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा भाई, इतना चिल्ड वाटर है ना, ये घूमते खड़े हो गए रहेंगे नहा नहा के। लेकिन तुम्हारे भाई ने नहा लिया है, यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ पर धूप आई थी, वहाँ नहीं नहाए, वहाँ पर छाया हो गई, बहुत ठंडा लगता है छाया में, धूप में नहाने में तब भी ठीक रहता है भाई। यहाँ पर नहा लिया है भाई, स्रोत का पानी है, बहुत इन जंगलों से निकल के आ रहा है पानी है ना, और यहीं पर इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा, आप खुद देखो ना चारों तरफ, बहुत ही ठंडा पानी भाई, लेकिन मज़ा आ गया ना आगे। ड्रोन यहाँ पर सूख रहा है। दोस्तों घनघोर जंगल में कैंप हमारा हो चुका है, हम चलते हैं वापस हमारा लालू है नहीं, इसका बढ़िया पेट वेट भर गया जंगलों से हम आते हुए, सीधा ये ऑफिस से अपना जो डाउन ट्रैक करके पहुँचते हैं घर पे, वहाँ पर ड्रोन को रखते सुखाने, क्योंकि पूरा ड्रोन पानी के गप्पे अंदर है ना, और बस 2 मिनट लगे होंगे, 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगा निकालने में, 2 मिनट तक वो पानी के अंदर ही था, इतना गहरा, फिर कूद के फटाफट निकाला उसको, अभी चल नहीं रहा, मतलब वो ऑन तो हो गया लेकिन चल नहीं रहा है। तो अभी अपन निकलते हैं, यहाँ पर देखो भैंस, ये भैंसियों की भैंस आ गई यहाँ पे, ये
दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है अभी शाम फिलहाल, और आज का अपना चौथा दिन कंप्लीट हो चुका है विदाउट इंटरनेट। तो अपने चलते हैं, भाई लोग यहाँ पर आए थे कोमद और बिरजू, उनके साथ अपन ने आज का दिन पूरा जंगल के अंदर कैंपिंग, ठीक है। सो पूरा कंप्लीट चार दिन विदाउट इंटरनेट, विदाउट मीडिया, विदाउट एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट अपना इधर चल रहा था, ठीक है। और अपन लोगों ने मतलब काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैं इस एक्सपीरियंस को मैं अपने नए ब्लॉग में बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। फिलहाल लोग नीचे को जा रहे हैं, तो अपन भी आज नीचे को निकलते हैं क्योंकि पापा ने बुलाया हुआ है, वहाँ पर कुछ शादी वगैरह कुछ प्रोग्राम है अपनी लेटे की, तो उसको अटेंड करते हैं, मतलब वहाँ पर जाना पड़ सकता है अपने को। पापा तो गए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ का शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है, फिलहाल बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो यहाँ पर ताऊ यहाँ पर गाना वाना लगा के रहते हैं, है नहीं। तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, और फिलहाल शाम हो चुकी है, अपने को नीचे को निकलना है। अपने को आधा एक घंटा 45 मिनट नीचे जाने में लगेगा, फटाफट निकलते हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।